हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल देसी स्टाइल किचन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी भुट्टी के बारे में जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है, छोटे बच्चों को अक्सर सर्दी जुकाम की तकलीफ होने लग जाती है। उसी के लिए आप अपने बच्चों को घर में भुट्टी बनाकर पिला सकती हैं, जिससे आपके बच्चों को सर्दी जुकाम में काफ़ी राहत देगी। इस भुट्टी को बनाने के लिए चाहिए दूध। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप अपना ब्रेस्ट मिल्क ले सकती हैं। मैंने 2 चम्मच ब्रेस्ट मिल्क लिया है। और केसर, हल्दी का टुकड़ा, जायफल, हर, एक बादाम और एक छुआरा, इन सब के मिश्रण से हम भुट्टी को तैयार करेंगे। मैंने खरल लिया है। आप कोई भी ऐसा पत्थर ले सकती हैं जिसपे इन चीज़ों को पीस सकें। इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। ये ब्रेस्ट मिल्क है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क मदर नहीं है तो आप गाय का दूध भी ले सकती हैं। इसमें मैं 4 दाने केसर के डालूंगी, 4 से 5 दाने। और जायफल के साथ मैं इसको अच्छे से पीस लूंगी। मैंने केसर और जायफल को घिस लिया है। अब मैं साथ में घिसूंगी हल्दी का टुकड़ा। हल्दी मैंने अच्छे से घिस ली है। अब मैं घिसने जा रही हूँ हर का टुकड़ा। हर का टुकड़ा मैंने घिस लिया है। उसके बाद मैं घिसूंगी एक बादाम जो मैंने लिया था। बादाम को भी मैंने घिस लिया है थोड़ा। अब मैं घिसूंगी छुआरे को। छुआरे को भी मैंने घिस लिया है। अब मैं इस मिश्रण को बचे हुए दूध में ऐड कर लूंगी। आप देख सकते हैं हमारी घुट्टी तैयार है। और अभी मैं अपने दोनों बच्चों को 1-1 चम्मच दूंगी, जो कि 1.5 साल के हैं मेरे बच्चे। अगर आपके बच्चे 1.5 साल या 2 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेते तो आप इसको काओ मिल्क में भी दे सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं घर में और सिर्फ जायफल अवेलेबल है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सिर्फ जायफल को भी दूध में घिस कर बच्चों को पिलाएंगी तो उससे भी बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसे खांसी जुकाम में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो मैं सर्दियों में बच्चों को अक्सर यही दिया करती हूँ। मैं मेडिसिन बच्चों को देना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो आप भी इस नुस्खे को आप अपने घर में ट्राई करें अपने बच्चों के साथ और बताएं कि कितना फ़ायदा हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।